तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज पहनी मैंने मेरी फेवरेट शर्ट, बहुत दिनों बाद में दिखी मुझे। कैसा लग रहा हूँ मैं यार आज, तो कमेंट कर देना यार प्लीज यार, मेरी फेवरेट शर्ट है वास्तव में। सच में यार गाइस, सच में मेरी फेवरेट शर्ट है ये। कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें, तुमको तो पता नहीं, मैं मुझे अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा हूँ भाई। शीशे में देख रहा हूँ ना मैं, याद आ गया कुछ मुझे शर्ट को देख के। तो जा रहे हैं भाई जयपुर, क्यों जा रहे हैं नहीं बताएंगे आज, बिल्कुल नहीं बताऊं मैं आज क्यों जा रहा हूँ। जयपुर की सबसे बेकार बत्ती है ये, सबसे बेकार। 110 सेकंड की रेड लाइट रहेगी और 20 सेकंड के लिए खुलेगी बस ये, और छोटा सा रोड है। आपको तो पता ही होगा जयपुर वालों कौन से रोड की बात कर रहा हूँ मैं। ये है गोपालपुरा पुलिया के नीचे, तो दूसरी बत्ती है ये जिसे अभी वेट करना पड़ रहा है। पहली बत्ती 110 सेकंड की, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे, फिर से 110 सेकंड की है, 20 सेकंड के लिए खुलेगी अगर निकल पाए तो ठीक, नहीं तो फिर 110 सेकंड वापस से वेट करो। पूरी नए मिले हमारे काम को, बैठो देखो। खूब उदम करे मन ने यहाँ सचिवालय खचवालय में, यहाँ पे सेंट्रल पार्क, यही तो सेंट्रल पार्क है गाइस, दिस इज सेंट्रल पार्क। बहुत बड़ा पार्क है ये, यहाँ पे फल उगते हैं, आम के, केला के, संतरा के, नींबू के पेड़ हैं यहाँ पे। उसका रखवाला मैं इकलौता, और मेरे साथ में ये मानसिंह जो भी है, ये जय सिंह मानसिंह कौन है बेचारा, मैं और ये दोनों जने रखवाली करते हैं नींबू के पेड़ की। नींबू पेड़ है हमारे गाइस इस गार्डन में। देखियो तो क्या है, हम तो फब्बारे लगवा रखे हैं गार्डन के, गर्मी के मारे। अरे मेरे दोस्त इग्निश वाले दोस्त, चलो ना कबूतर कबूतर। जयपुर की तो बात ही अलग है गाइस, जैसा कि हम आपने कहा था, चॉकलेट खा लो यार पहले। चॉकलेट खाओगे नहीं खाओगे ना, क्योंकि मैं खाऊंगा इसको सिर्फ और सिर्फ मैं, ये मैंने मेरे लिए ली थी। कभी भी चॉकलेट खरीदो खुद के लिए खरीदो और उसको खाओ बढ़िया मस्त। हम आ गए हैं वापस MI रोड पे, क्योंकि कल जो काम करने आए थे वो अधूरा रह गया था, तो उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ आधा काम पूरा कर लिया था हमने, आधा काम आज पूरा कर देंगे। जरूरी है गाइस काम वाम करते रहना चाहिए, ताकि लगता रहे घर वालों को कि जिंदे छोरे काम के, कुछ ऐसे ना कि घर बैठे नाज की रोटी तोड़ रहे हैं बस मेरी तरह, सॉरी आपकी तरह। दिस इज सिनेमा हॉल, दिस इज पंडित पाव भाजी। ओ माय गॉड सीरियसली पंडित पाव भाजी, दिस इज राज मंदिर। यहाँ पे पिक्चर विक्चर देखने आ सकते हो मोटू पतलू की मेरी तरह। यहाँ पे आए थे हम बहुत टाइम पहले, एक किस्सा याद आया मेरे को इस जगह से। यहाँ पे पहले डोमिनोज का वो था, डोमिनोज का नहीं मैकडोनल्ड्स का बर्गर का वो था यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स का। तो मैं जा रहा था गांव में, आया था यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ में बस में बैठने के लिए। यहाँ पे खा रहे थे हम बर्गर, कि चलो बर्गर खाते हैं, भूख लग रही थी, पैसे पूसे खूब थे ही उस टाइम पे। तो पहले लिया हमने एक छोटा बर्गर जो हम खाते हैं रेगुलर साइज वाला, ये ना ये सटर वटर सी है ना ये, अभी तो पता नहीं क्या लग रहा है इसमें ना, पहले इसमें मैकडोनल्ड था इसमें, ये वाला है ना ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, गोलचा पॉइंट हो गया अब तो, ये इसमें था पहले। तो हम घुस गए, फिर हमने 600 रुपए का बर्गर ऑर्डर कर दिया, 600 रुपए का बर्गर, इतना बड़ा था मुंह में भी नहीं आया मेरे वो।
ये कौन सी पिक्चर लग रही है इसमें यार, पिक्चर भी नहीं आ रही आजकल। मेरे पिक्चर देखने का बहुत मन कर रहा है, एक दो दिन में पिक्चर देख के आएंगे। लेकिन फिर भी ये तो बहुत दूर पड़ जाता है हमारे लिए। सबसे सूटेबल या तो पिंक स्क्वायर पड़ता है, इनॉक्स या फिर WTP, दो ही मेरे को ज़्यादा ठीक लगे, बाकी सब तो नॉर्मल है। मैं इनमें आया नहीं। एक एंटरटेनमेंट EP वो भी ठीक था यार, काफ़ी बड़ा था वो। यार यहाँ से कहाँ गया भाई, बर्गर खाया था हमने 600 रुपये का, इतना बड़ा बर्गर था वो, इतना बड़ा महाराजा बोलते जिसको, महाराजा बर्गर। कैसे कैसे नाम सोच लेते हैं बर्गरों के भी, महाराजा बर्गर। भाई बर्गर एक महाराजा कैसे हो सकता है, मुझे तो ये बताओ, इसका जवाब दो पहले। जो बर्गर है जिसको खाएंगे हम थोड़ी देर में, वो मर जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहीं ये बर्गर था, उसका नाम तुमने महाराजा रख दिया, क्या मतलब है ये बताओ। ऐसे दो चार महाराजा और हो गए तो देश तो लुट जाएगा हमारा, राजस्थान है तो इसे ये थोड़ी है तुम बर्गर को महाराजा कहने लग जाओगे। सोचो यार, थोड़ा दिमाग दिया है भगवान ने, काम वाम में लो से, तभी तो बंद हो गया ये बर्गर को। अगर बर्गर ही बोलते तो ये चलता अब तक, अब बर्गर को महाराजा कहोगे तो कहां से चलेगा यार। चल लो यार, बत्ती बंद हो जाएगी यार, प्लीज। MI रोड पे सारे बढ़िया से बढ़िया शोरूम मिलते हैं गाइस। चरेटो अगर तमाम है शॉपिंग पॉपिंग करके कुछ ले गए कपड़ा लगता तो बता दीजो, MI रोड पे सब चीज मिल जाएगी। तुम ने कितने को महंगी चीज ले लीजो, कोई इस ब्रांड की ले लीजो तुम, वो कच्ची पहन लीजो कच्चू यार, कपड़ा लगता घड़ी फाड़ी सोनो चांदी अटरम चटरम सूट सलवार कोट पैंट पजम्मी टी शर्ट जूता चप्पल शेरवानी फेरवानी जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ। एक तो एक चीज समझ में नहीं आती मुझे, MI रोड पे इतने सारे रायमंड के स्टोर हैं, ये चलते कैसे। अब हाँ ठीक है, रायमंड अपने आप में वो है कि हाँ भाई, पर यार इतने सारे, हर दूसरी शॉप रायमंड की, यहाँ पर हर दूसरी शॉप यार, मतलब तगड़ा ही बिजनेस है फिर रायमंड का तो इस हिसाब से देखा जाए तो। अरे रायमंड छोरे के करके मानेगा, एक 150 तो मैं या दुकान पे गिना दो तुमने या स्टोर पे, मतलब या MI रोड पे गिना दो तुमने 150 कम से कम। वही लगाए से तो वहां खा लेना। तो हम आ चुके हैं गाइस, देखो ये रायमंड है ना, और ये एक दुकान छोड़ के बीच में, ये फिर से रायमंड, ये रायमंड है ना, इसके एक दुकान पीछे छोड़ के फिर से रायमंड। यार इतने सारे रायमंड भाई क्यों। दिस इज जेलन मार्क हवाई अड्डा एयरपोर्ट मालवे नगर जो भी है, ये एयरपोर्ट एयरपोर्ट सीधा जाता है मेरे भाई। कच रोड बना रखा सरकार ने, कच WTP भी इसी रोड से जाते हैं हम, वो देख रहा हुआ नीला नीला सो तुमको थोड़ा बहुत देख रहा हो तो, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे, हमको राइट लेफ्ट में मुड़ना है, राइट में मुड़ेंगे फिर लेफ्ट में मुड़ेंगे, या पहले लेफ्ट में मुड़ता है सीधा ही, चलो सीधा लेफ्ट में ही मुड़ जाते हैं फिर। गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले पुलिस वालों ने रोक लिया था हमको, अब वो पुलिस वाले ने मेरे से बोला लाइसेंस, अब मेरे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, और उसने बोला चलो फोटो ही दिखा दो, बोला फोटो भी नहीं है। उसने बोला कि भाई पास वाले इनका तो होगा, इनका भी नहीं है, इनका फोटो तो होगा, उनका फोटो भी नहीं है, ये तुम गाड़ी में कर क्या रहे हो। ना तो लाइसेंस, ना लाइसेंस की फोटो, ना तेरे पास ना उसके पास, तुम गाड़ी में कर क्या रहे हो। मैंने क्या वो काम सोने जा रहे कहीं बाहर आसा, चले वो बाहर, फिर 2 मिनट बाद में फिर वापस गाड़ी बैठो, फिर हम वापस जा गए। फिर अब 2 मिनट में क्या हुआ लोगों, अब तुम सोच लो कहा ऐसे पे वो त्याई देखी, वो त्याई कहा है भाई साहब, ऐसी तो मैं बोलूंगा एक अंकल जी मुझे भी दिला दो ना ऐसी एक, ये
रहे हैं यार ये बंदे, मतलब कहते लाऊं मैं लगा तो पार्किंग वार्किंग होगी ना। हे प्रभु हरि नाम जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या है, क्या चाहिए? देखो सब बताता हूँ ना सीधा सीधा। आज चॉकलेट खा ली मैंने, आज चॉकलेट अभी गाड़ी में रख के जाऊंगा, कोई काम है उसको खत्म करने के बाद मैं वापस आऊंगा, तब आधी चॉकलेट रास्ते में खाऊंगा। रास्ते में चॉकलेट खाने का एक फायदा होता है, जो स्ट्रेस होता है ना दिमाग में कि भाई टेंशन वेंशन दूर करती है। मस्त खाओ पियो आराम से, गाड़ी में सफर में जितना खा सकते हो ना आप उतना खाओ, वो भी अच्छी अच्छी चीजें, ताकि आपके मुंह से अच्छी अच्छी चीजें निकले। कैमरामैन क्या हो गया भाई घुमाने लग रहा है भाई कैमरे को। तो आधी चॉकलेट रखते हैं इसमें फ्रीज में। मेरे को एक डर है कि मैं आऊंगा उधर से जब तक ये मेल्ट हो जाएगी, कोई ना फिर इसको वापस से जमा के इसी में फिर से खा लेंगे। तो चलते ले भाई तेरी मर्सिडीज पाएगी तैयारी। कैसी लग रही है न्यू मर्सिडीज? बहुत बढ़िया लग रही है, ले जा मेरे चॉकलेट की हालत दिखाते हूँ आपको गाइस। ठंडी करते हैं अभी, एसी उसी चलाते हैं। अभी चॉकलेट ठंडी होने के लिए रखी हुई है, तो जैसे ही जम जाएगी इसको खा लूंगा मैं अपने आप, ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा उसको टेंशन, ठीक है आप नहीं लो। बादल बुदल देख लो रे भाई, ऐसे होते हैं बादल यहाँ पे जयपुर वाले। दिस इज कागज का डिब्बा, देखो भैया पुनीत का कह रहा पुनीत हाँ नहीं नहीं भाई पौवा वो पी ओ पी लिया किसने पौवा? अरे नशे में है क्या तू पुनीत जी? अरे पुनीत जी नशे में हो क्या आप? गाइस कागज का डिब्बा देख लो, हाँ कहीं नहीं जा रहा मैं, तो ना जाओ काम से निकाल लो सिर्फ, चलो उठाओ ठीक है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट।